इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के इस वीडियो सीरीज में आज हम पेटेंट लॉज इन इंडिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स विच आर टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू गेट योर प्रोडक्ट पेटेंटेड, यानी अगर आप अपने इन्वेंशन को, अगर आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें आपको फुलफिल करना होगा। उन सभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने डिटेल में समझा। इस वीडियो में हम पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे ताकि हमें इस एक्ट के बारे में बेसिक जानकारी हो सके। राइट, चलिए क्या कह रहे हैं। इन्वेंशन ऑफ अ पर्सन कैन बी पेटेंटेड ओनली इफ द प्रोसीजर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड इन पेटेंट एक्ट 1970 आर फुलफिल्ड। तो आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने इन्वेंशन को पेटेंट तभी करा सकते हो जब पेटेंट एक्ट 1970 में, पेटेंट एक्ट 1970 में जो भी प्रोसीजर्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं उन्हें फुलफिल करते हो। द पेटेंट एक्ट 1970 प्रोवाइड्स फॉर अ डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट राइट, राइट फ्रॉम फाइलिंग एन एप्लीकेशन टिल ग्रांट ऑफ पेटेंट। यानी ये जो हमारा पेटेंट एक्ट 1970 है ये अपने आप में एग्जॉस्टिव इन नेचर है, अपने आप में कंप्लीट है। और इस पर्टिकुलर एक्ट में इनिशियल प्रोसेस से लेकर के फाइनल प्रोसेस तक के जो भी स्टेप्स हैं वो सभी मेंशन है। यानी किस तरह से आप एप्लीकेशन फाइल करोगे टिल द ग्रांट ऑफ पेटेंट, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ये सभी प्रोसीजर्स, सभी स्टेप्स पेटेंट एक्ट 1970 में मेंशन है और उन प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना होगा। तो पेटेंट एक्ट 1970 अपने आप में एग्जॉस्टिव इन नेचर है एंड इट डिस्क्लोजेस ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम फाइलिंग एन एप्लीकेशन टिल ग्रांट ऑफ पेटेंट। दिस एक्ट ऑल्सो कंटेन्स provisions for rights and obligations of patentee। ये जो particular act है ये patentee के rights and obligations को भी disclose करता है। rights and liabilities क्या होंगी patentee की, उन्हें भी ये disclose करता है। term of patent क्या होगा, कितने समय तक आपको patent grant किया जाएगा। transfer of patent, surrender of patent, रिवोकेशन, इन्फ्रिंजमेंट, और इन्फ्रिंजमेंट के केस में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगे, ये सभी चीज़ें डिटेल में पेटेंट एक्ट 1970 में दिया गया है। राइट, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये जो हमारा एक्ट है इसमें जो टर्म ऑफ पेटेंट होगा वो 20 सालों तक होगा, जिसके बाद आपका जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो इन्वेंशन है वो पब्लिक डोमेन में जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट का सेक्शन 3 उन सभी लिस्ट ऑफ आइटम्स के बारे में बात करता है जो कि क्या है, नॉन पेटेंटेबल आइटम्स हैं, हमने समझ लिया था, जो कि नॉन पेटेंटेबल आइटम्स हैं और जिनके लिए आपको पेटेंट नहीं मिल सकता है। सेक्शन 4 इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी,
ये भी क्या है, नॉन पेटेंटेबल आइटम्स हैं. इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट अर्लियर नो प्रोडक्ट पेटेंट कुड बी ग्रांटेड फॉर मेडिसिन, फूड आइटम्स, केमिकल्स. तो पहले क्या था कि मेडिसिन, फूड आइटम्स और केमिकल्स के फील्ड में हमें पेटेंट नहीं मिलता था, और केवल जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन हैं, फूड आइटम्स हैं, केमिकल्स हैं, उन प्रोसेस पर ही हमें पेटेंट मिलता था. तो पहले मेडिसिन, फूड आइटम्स और केमिकल्स के ऊपर हमें पेटेंट नहीं मिलता था, केवल जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन हैं, फूड आइटम्स हैं, केमिकल्स हैं, उन प्रोसेस पे ही हम पेटेंट ले सकते थे. लेकिन जब इन द ईयर 2005 में जब अमेंडमेंट होता है इस पर्टिकुलर एक्ट में, यानी पेटेंट एक्ट 1970 में जब 2005 में अमेंडमेंट होता है, तो हमें प्रोडक्ट पेटेंट मिलना शुरू हो गया फूड आइटम्स, केमिकल्स और मेडिसिन के भी फील्ड में, राइट. तो ओवरऑल इन कॉन्क्लूजन हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पेटेंट एक्ट 1970 है वो अपने आप में कंप्लीट है, और इसमें सभी प्रोसीजर्स को डिटेल में दिया गया है. किस तरह से आप एप्लीकेशन फाइल करोगे टू गेट द पेमेंट, टू गेट द प्रोडक्ट पेटेंटेड, और किस तरह से आपको पेटेंट मिलेगा, साथ ही साथ पेटेंटी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, टर्म ऑफ पेटेंट क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पेटेंट किस तरह से हो सकता है, सरेंडर, रिवोकेशन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, और इन्फ्रिंजमेंट के केस में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है पेटेंटी को, साथ ही साथ सेक्शन 3 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 उन सभी आइटम्स के बारे में बात करता है जो कि नॉन पेटेंटेबल आइटम्स हैं, हमने डिस्कशन कर लिया था. और 2005 में अमेंडमेंट होने के बाद हमें प्रोडक्ट पेटेंट मिल सकता है मेडिसिन के फील्ड में, फूड आइटम्स के फील्ड में, केमिकल्स के फील्ड, ठीक. अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हो, ये जो मेरे नोट्स हैं, अगर आप इन्हें पीडीएफ फॉर्म में पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल में नॉलेज ग्रुप लिख करके सर्च करना, आइकन वही है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.